गाइस लास्ट में एक स्पेशल चीज अनाउंस होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। थैंक यू। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज गाइस मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एक बहुत ही बढ़िया आयरन फार्म की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक बहुत ही बढ़िया आयरन फार्म बनाया, तो ठीक इसी तरह आज भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आयरन फार्म बनाकर दिखाऊंगा, जिसके अंदर आप लोगों को एक जॉम्बी की जरूरत पड़ेगी। मगर वो मतलब नो जॉम्बी वाला फार्म है, उसके अंदर आप लोगों को जॉम्बी की जरूरत ही नहीं है और आपको लिटरली काफी सारा आयरन मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा इसको समझने के लिए। बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमारा जो आयरन फार्म है हम लोग इस तरफ बनाएंगे, तो आप लोग स्ट्रक्चर को समझ लेगा। हम लोगों को यहाँ से 1, 2, 3 ब्लॉक करना है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5, हम लोगों को यहाँ से 5 ब्लॉक को ऐसे डिग कर देना है। तो हम लोग ने पहले इसे यहाँ से डिग कर लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 3x5 का एरिया हो गया। अब हम लोगों को नीचे 4 ब्लॉक डिग करने, तो ये 1 और ये हो गया 2, ये 3 और ये हो गया 4। तो ऐसे हम लोगों को ना इसको 4 ब्लॉक तक डिग कर देना है। मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको 4 कर दिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर 5 बेड लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इतना हम लोगों को करने के बाद यहाँ पर एक स्लैब्स लगाने होंगे। स्लैब्स हम लोगों को इस साइड के इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पर ना ऐसे 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 और ऐसे, इस तरीके से ना हम लोगों को ऐसे कवर कर देना ताकि विलेजर्स के चढ़ने के लिए आसानी हो। बाकी हम लोगों को यहाँ पर 5 विलेजर्स स्पॉन करने हैं। वैसे आप लोग चाहे तो विलेजर्स को बोर्ड में ला के इसमें गिरा सकते हैं, लेकिन और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग बस ऐसे सिंपल 2 विलेजर्स स्पॉन करें और कुछ नहीं करें, उसके बाद ना फिर आप लोग को इनको ब्रीड करते रहें। तो यहाँ पर हम लोगों के गाइस विलेजर्स हो गए। अब हम लोगों को वॉल्स बनानी है, 3 हम लोगों को वॉल्स बनानी होंगी, मतलब 3 हाइट की, 1, 2 और ये 3। तो हम लोगों को ना ऐसे पूरी के पूरे एरिया में बनानी है। तो ये हम लोगों ने इसको पूरी 3 हाइट से कर दिया और हम लोगों ने इसको पूरा कवर कर लिया। अब हम लोगों को गाइस ये कॉर्नर है ना इसका, ये हम लोगों को ये कॉर्नर वाला ब्लॉक तोड़ना होगा, ये वाला। इस पर हम लोग एक चेस्ट लगाएंगे। वैसे स्टोरेज मुझे ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग ना डबल चेस्ट लगाएंगे ताकि हम लोगों को स्टोरेज ज़्यादा मिल सके। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ऐसे कोने में आ जाना है, इसके दीवार के बिल्कुल ना कोने में आके वहाँ पर देख के ना यहाँ से आप लोगों को जगह नज़र आ रही होगी। तो एक ब्लॉक यहाँ से तोड़ना है, एक ब्लॉक यहाँ से तोड़ना है, और इन दोनों ब्लॉक के ना हम लोगों को हॉपर लगाने, एक इस साइड और इन दोनों हॉपर्स को ना एक हॉपर कनेक्ट करेगा ऐसे। तो ये हमारा इतना काम तो हो गया, आप लोग देखिएगा इतना काम हमारा हो गया है। इसको फिर हम लोग बाद में इससे कवर भी कर देते हैं। अब हम लोगों को इसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पर एक साइन लगा देना है, उसके बाद हम लोगों को एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर लगाना है और इसका एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर लगाना है, उसके बाद हम लोगों को एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर और लगा देना है। तो इतना हम लोगों को इसमें आप लावा डालेंगे, आप लावा डाल के देखते हैं कि नीचे हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे भी नहीं आ रहा और यहाँ पर किलिंग चैम्बर भी बन गया हमारा गोलम का। तो अब हम लोगों को ना यहाँ पर पानी डालना है, पानी हम लोगों को इस तरह, गलत डल गया था, तो हम लोग ना इसको तोड़ देते हैं पहले। हम लोगों को देख कर डालना होगा पानी, यहाँ से हम लोगों को इसको तोड़ना पड़ेगा। वॉल को दोबारा रिप्लेट कर देते हैं। पानी हम लोगों को इस वाले ब्लॉक पर डालना है, तो ये पानी, यस हम लोग बिल्कुल सी देख सकते हैं यहाँ से पानी आ रहा है। गोलम आएगा कहीं से भी आएगा तो यहाँ से वो आके डैमेज खाएगा। हम लोगों की हाइट छोटी है, लेकिन उसकी हाइट तो ऑब्वियसली आपको पता है बड़ी होती है, तो वो इजीली डैमेज ले लेगा। अच्छा गाइस, अब हम लोगों को नेक्स्ट चीज़ जो करनी है, यहाँ से ना कॉर्नर से 7 ब्लॉक को लेके जाना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम लोग ना यहाँ से 7 ब्लॉक्स को लेके जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये 7 हो गया। अब हम लोगों को ना इसको हर कॉर्नर से करना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ से ऊपर से दिखा देता हूँ, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा का 7x7 ऐसे बना दिया है। तो अब हम लोगों को ना इसको फिल करने दें, खत्म। A few moments later. तो यस गाइस, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा इसको लीव से कवर कर दिया है। गाइस अब हम लोगों को बस वेट करना है कि जो ब्लेजर्स हैं वो सो जाएं, कि उनके सोने से ये होगा ना कि हम लोगों को आयरन गोलम स्पॉन कर सकेंगे। मीन्स जब ब्लेजर्स होएंगे तो आयरन गोलम स्पॉन तभी होंगे। अब उसके बाद अगर आप लोग आयरन लेना है तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस चेस्ट के करीब आना है। यहाँ से आप लोग चेस्ट को इजीली एक्सेप्ट मतलब कर सकते हैं इसको, और यहाँ से आपको आयरन मिल जाएगा। तो पहले आप लोगों को ना सोने का इंतजार करना होगा इनके। तो ये आप लोग देख सकते हैं गाइस गोलम आना शुरू हो गया, अभी थोड़ी देर पहले गोलम आया है। तो ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर करके फार्म कर काम करेगा, लेकिन इसके अंदर ना आप लोगों को गाइस ज़ॉम्बीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं बगैर ज़ॉम्बी के भी गोलम स्पॉन कर रहे हैं ब्लेजर।
तो यस गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी गाइज, मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो गाइज, बेसिकली मैं नेक्स्ट वीडियो का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है कि नेक्स्ट वीडियो गाइज बहुत ज़्यादा क्रेजी आने वाली है। आप लोग पूछोगे कि भाई क्रेजी क्यों होगी, वही फार्म की वीडियो बनाओगे, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मेहनत अभी फिलहाल वैसे भी मैं काम वाम ज़रा कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गाइज क्रेजी वीडियो आने वाली है। ऐसे आप लोगों को अगर याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले माइनक्राफ्ट का एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड चल रहा था जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो ट्रेंड मैं भी करूँ। तो यस गाइज, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब उसके अंदर मेहनत लगेगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, 2-3 दिन ज़रा लगेंगे। लेकिन गाइज बहुत ज़्यादा क्रेजी ना ले। वैसे आप में से काफ़ी सारे लोग तो समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं किस वीडियो के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अगर समझ गए तो मुझे नीचे कमेंट में बताएगा। बाकी गाइज, ये फॉर्म आप लोग ट्रस्ट करेगा, पॉकेट एडिशन और जावा दोनों के लिए बेस्ट फॉर्म है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट क्रेजी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।